हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोन। सो बात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक की, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, या जो भी केमिस्ट्री से रिलेशन रखता है, या जो भी बंदा केमिस्ट्री से उसका कहीं ना कहीं संबंध आता है। हम सब ने एक वर्ड सुना होगा, वन एटमोस्फियरिक प्रेशर, या प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस। मुझे अभी भी याद है, 9th standard में एक चैप्टर हुआ करता था, वहाँ हमें पढ़ाया जाता था कि गैस प्रेशर मतलब क्या, और वहाँ एक स्टेटमेंट दिया जाता था, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड एज गैस प्रेशर। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि गैस प्रेशर, ये प्रेशर क्या है? पहली चीज़ तो प्रेशर क्या है, हम प्रेशर को समझेंगे, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे कहीं प्रेशर मेजर करना है, जैसे वेट मेजर करने के लिए हमारे पास एक वेइंग मशीन होती है, अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है, हमारे पास कुछ मटेरियल होता है जिससे हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमने बहुत बार सुना इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट्स द वर्ड कम प्रेशर। वो प्रेशर हम मेजर कैसे करते हैं? सर, प्रेशर को मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बैरोमीटर, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है मैनोमीटर। ये बैरोमीटर और मैनोमीटर में डिफरेंस क्या है ये समझेंगे, उससे पहले ये समझते हैं कि ये प्रेशर क्या है। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर मैंने किसी गैस को भर के रखा है, ठीक है? ये गैस है मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, और यहां पर ये छोटा सा हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो इसको कहा जाता है एरिया, दिस इज कॉल्ड एज एरिया। अगर मैं इसको 3D में लेके चले जाऊं तो उसको कहा जाएगा वॉल्यूम, बट मैं सिर्फ लेना देना है मेरा एरिया के साथ। सर, इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वो इस वॉल पे, ये जो कंटेनर की जो दीवारें हैं उन दीवारों पे वो कोई फोर्स एग्जर्ट करती है। हर गैस जब उसके मॉलिक्यूल्स आके टकराते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं सर, सबसे पहली बात तो ये है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक जगह टिकते नहीं है, और जब वो रैंडम मोशन में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं तो कभी ना कभी वो कंटेनर के साथ आके टकराते हैं। अब वो कोलिजन इलास्टिक हो सकता है, वो कोलिजन इन इलास्टिक हो सकता है। मैं उसके KTG पे नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गोना गो इन टू द स्टफ ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। मैं मान के चलता हूँ कि कोलिजन होता है, अगर वो कोलिजन होता है, वो टकराव होता है, तो हम कहेंगे कि गैस ने उस वॉल पे फोर्स लगाया। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो प्रेशर होता है। सर हाँ, फोर्स और प्रेशर में एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। अगर मैं मेरे हाथ से यहाँ पर कुछ ताकत लगाता हूँ सर, उसको फोर्स कहा जाता है। अब मैंने कितने हिस्से पे ताकत लगाई? सर अगर आप मेरा हाथ देखोगे तो मैंने इतने से हिस्से पे कहीं पे ताकत लगाई, तो वहाँ जो छोटे से हिस्से पे जो ताकत लगेगी, छोटे से एरिया पे, उसको कहा जाएगा स्मॉल एरिया। तो फोर्स जो एक छोटे से एरिया पे लगती है उसको कहा जाता है प्रेशर, पूरे इलाके पे जो लगती है, पूरे इलाके पे, उसको कहा जाता है फोर्स, और छोटे से एरिया पे जो लगती है उसको कहा जाता है प्रेशर। इसीलिए अगर कोई तुमसे कहे कि बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का यूनिट अपने आप में निकल के आता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मुझे उम्मीद है ये आप याद रखोगे, ये प्रेशर का यूनिट है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा इसका यूनिट डिराइव कर लेते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। क्या हो जाता है? एरिया को लेट अस से मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्स को हम लोग और क्या लिखते हैं? फोर्स को हम न्यूटन भी लिखते हैं। न्यूटन, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट है आपके प्रेशर का। अगर इसको एक्सपांड करूँ तो मास किस में लिखा जा सकता है? केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका ऑलरेडी यहाँ पे नीचे क्या था? मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यूनिट क्या आ जाएगा? केजी, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये याद रखना, ये इसके ऐसा यूनिट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल, जो एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसका यूनिट लिखा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 N/m², तो इसको अगर मैं 1 Pascal लिखूँ तो भी चलेगा। तो 1 N/m² का मतलब क्या होता है? अब 1 N/m² का मतलब ये होता है कि एक छोटे से इलाके पे अगर 1 N का फोर्स लग रहा होगा, अगर इस छोटे से इलाके पे, दैट इज 1 m² का अगर इलाका है, दैट इज 1 m, और ये भी अगर क्या रहे 1 m, और अगर उस 1 m के इलाके पे अगर 1 N का फोर्स लगेगा तो हम उसको कहेंगे 1 N/m², और उसको कहा जाता है 1 Pascal। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर एक और क्वेश्चन उठता है, अगर एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है तो ये जो धरती हमारी बनी हुई है, इस धरती के ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर है, इस धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में भी गैसेस हैं, तो वो गैसेस भी तो हम पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी। एग्जैक्टली, और उस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप अपनी धरती को देखो, आपको लगता है धरती गोल है,
ठीक है। और हमको पता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे स्पीयर्स हैं, आइनोस्पीयर, लिथोस्पीयर, स्टेटोस्पीयर, दुनिया भर के हमारे ऊपर स्पीयर्स होते हैं। मैं इसको कहूँगा एयर एनवेलप, ये आपके पास एयर है। तो ये जो एयर है ये हमारे ऊपर, क्योंकि धरती हमारे अर्थ का, ये जो हमारा अर्थ है इसके पास ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी क्या करता है, ये ग्रेविटी एयर को अपने अंदर बांध के रखता है। सर कभी सोचा है अगर अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता और ये हवा जो है वो तो कहीं पर भी घूमती है, अगर ऐसा होता तो ये एयर कभी निकल के चली क्यों नहीं जाती है, ये हमारी धरती से ही क्यों बंधी रहती है। तो एयर का हमारी धरती से बंधे रहने का एक रीज़न है कि ग्रेविटी है, हमारी धरती की जो ग्रेविटी है उसने उसको बांध के रखा। अब अगर धरती की ग्रेविटी ने उसको बांध के रखा है तो उस पर फोर्स पड़ रही होगी नीचे की तरफ, तो वो धरती पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, उस प्रेशर को जो एयर एग्जर्ट करती है उसको कहा जाता है एयर प्रेशर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एयर प्रेशर कितना है, हम इसको मेजर कैसे करें, लाइक यू नीड सम क्वांटिटी, आपको कोई क्वांटिटी चाहिए जिसको मैं रेफरेंस मान के कह सकूं कि हाँ इतना है, या मैं किसी चीज से, अगर मैं ये डस्टर मेरे हाथ में लेता हूं और अगर मैं इसको एक फोर्स लगाता हूं और उसके बाद अगर ये एक मीटर आगे चला जाता है तो मैं कहूंगा चलो भाई मैंने 1 न्यूटन लगाया, तो अगली बार मुझे नहीं पता मैंने कितना लगाया, पर मेरे अगर धक्का लगाने से वो 1 मीटर गया तो मैं कहूँगा हाँ मैंने उतना ही लगाया जितना इधर मैंने लगाया। तो मैंने इस ताकत को जिसको लगाने से ये 1 मीटर आगे गया, मैंने उस ताकत को एक रेफरेंस मान लिया कि अगर इतना कहीं पर भी लगेगा तो वो 1 हो जाएगा इसके बराबर, अगर इससे ज़्यादा लगा तो इसका डबल हो जाएगा। तो आई नीड सम यूनिट, भाई मुझे अगली बार पता होना चाहिए कि एयर का प्रेशर है, तो आई जस्ट नीड टू गिव इट अ नंबर, मुझे उसको एक नंबर देना है। तो हम कैसे करें, उससे भी बड़ी बात आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपकी धरती गोल नहीं है। अब अरे ऐसे कैसे धरती गोल नहीं है, सर धरती गोल है, आप जो देखते हो वो धरती गोल है, पर अगर आप धरती का सरफेस देखो तो सर हमारे धरती के सरफेस पे कहीं पर हिमालय है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, हमारी धरती गोल नहीं है सर, हमारी धरती का सरफेस एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अब जहाँ हिमालय होगा वहाँ पर वो धरती, अगर मैं एक एवरेज डिस्टेंस बनाऊँ, एक एवरेज स्फीयर बनाऊँ कुछ इस तरीके से, ये एक अगर मेरा एक एवरेज स्फीयर है, चलो इसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, अगर ये मेरा एक एवरेज स्फीयर है तो मेरी धरती के एवरेज रेडियस को जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये है, तो जहाँ भी मेरा सी लेवल है, जहाँ समुद्र का लेवल है और धरती जहाँ मिलती है, हम उसको कहते हैं सी लेवल, हम उस सी लेवल को रेफरेंस मानेंगे। अब उस सी लेवल से पहाड़ होगा तो वो ऊंचाई की तरफ चला जाएगा, और अगर कहीं पे प्लेन होगा तो वो वहाँ पे नीचाई की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हमारा जब भी कोई कैलकुलेशन धरती पे होता है वो सी लेवल को रेफरेंस में रख के किया जाता है। आपने बहुत बार ट्रेन्स में ट्रेवल किया होगा, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो एक येलो कलर का बोर्ड दिखा होगा, उस येलो कलर के बोर्ड पे उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखा होता है और उसके वहाँ लिखा होता है इस स्टेशन की ऊंचाई सम मीटर फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई इतनी है, बिकॉज हमने कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन कहाँ है, कौन बड़ा है, इसको मानने के लिए सी लेवल को रेफरेंस मान लिया है। सी लेवल जहाँ है, जहाँ समुद्र और धरती है, जहाँ इंसान खड़ा होकर समुद्र देखता है, वहाँ से कितना ऊंचा है और वहाँ से कितना नीचा है। तो सर अलग अलग इलाके में जब मैं जाऊंगा, जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मेरे पे प्रेशर कितना गिरेगा, सर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एयर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा डिपेंड करता है कि उसके ऊपर एयर का एनवेलप कितना था, मतलब कितना हवा उसके एग्जैक्टली ऊपर था। अब अगर तुम पहाड़ पे जाओगे तो पहाड़ के ऊपर एयर एनवेलप कम हो जाता है क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पे चले गए हो, अगर तुम नीचे धरती पे खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर एयर एनवेलप ज़्यादा है तो इसलिए तुम्हारे पे प्रेशर ज़्यादा गिरेगा। अगर तुम थोड़ा और नीचे चले जाते हो, मानो कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेन है, अगर आप वहाँ चले जाते हो तो आपके ऊपर और ज़्यादा एयर प्रेशर गिरेगा। रीज़न क्या हो जाता है, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर हो जाती है। तो हमारा जो एयर प्रेशर है वो कॉमन नहीं है, पहली बार इट्स नॉट फिक्स्ड, वो डिपेंड करता है हाइट टू हाइट एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। इसीलिए जब आप पहाड़ पे जाते हो तो बाहर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो कम हो जाता है। आप जब सी लेवल पे रहते हो तो आप सी लेवल पे जो प्रेशर है आप उसको रेफरेंस मानो, भाई सी लेवल पे इतना प्रेशर है। जब आप पहाड़ पे जाते हो तो पहाड़ का एयर प्रेशर सी लेवल से कम हो जाता है। आप जब अगर मानो कहीं सी लेवल से नीचे, जमीन नीचे की तरफ हो, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कहीं पे खाई जैसी अगर हो, अगर आप वहां चले जाओगे तो वहां पर आपके ऊपर एयर प्रेशर बढ़ने लगेगा क्योंकि अब आपके ऊपर हवा का जो एनवेलप है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है एयर प्रेशर को मापे कैसे।
हाउ डू वी कैलकुलेट एयर प्रेशर। तो सर एयर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले तो रेफरेंस सेट किया, और हमने रेफरेंस क्या सेट किया, हमने रेफरेंस सेट किया सी लेवल। अब मैं कहाँ बात करूँ, पूरी धरती तो उबड़ खाबड़ है, हर जगह कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, तो मैंने सी लेवल को सेट किया। लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम अगेन, मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये एक बहुत अच्छा सा समुद्र किनारा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हमने क्या किया इस समुद्र किनारे को, इसको कहा जाता है सी लेवल। इसके बाद फिर मान लो पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लाके रखा और उस कंटेनर के अंदर हमने पानी रखा, और उसके अंदर हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब रखा, या मैं हम कहेंगे उसके अंदर पानी नहीं रखा, हमने उसके अंदर मर्क्यूरी को रखा, HG, दैट्स कॉल्ड एज मर्क्यूरी। तो हमने सी लेवल पे एक कंटेनर लाया, ध्यान से सुनिएगा, एक कंटेनर लाया और उस कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी को भरा, मर्क्यूरी, दैट्स कॉल्ड एज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी को भर रहे हैं तो उसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो उसकी जानकारी ये है कि उसका डेंसिटी, जो मर्क्यूरी है उसका डेंसिटी होता है 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सर धरती का अगर मैं सी लेवल लेता हूँ तो सी लेवल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो जमीन अपने ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसको हम स्मॉल जी के साथ लिखते हैं, हम उसको स्मॉल जी लिखेंगे, विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो दिस विल बी 980 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहां क्या करते हैं, हमने प्योर मर्क्यूरी लिया, अब एक इन्वर्टेड ट्यूब लेके आते हैं, यानी आपने कभी टेस्ट ट्यूब देखी होगी, उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा लाके रख देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम मार्किंग करते हैं, मतलब अगर ये टेस्ट ट्यूब है यहां से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 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 हम उसको मार्किंग्स करते हैं, जिसको हम ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब कहते हैं। अब ये पढ़ी लिखी टेस्ट ट्यूब नहीं होती है, ये ग्रेजुएटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर मार्किंग्स की गई हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक चीज नोटिस करते हैं, अब जब मैंने इस कंटेनर को, ये जो कंटेनर है जिसको अगर मैंने सी लेवल पे रखा, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि मर्क्यूरी जो है वो इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। अब ये मर्क्यूरी जो था, जो एक्चुअल ऐसा था, अब ये मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाता है और मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर हाइट पे जाता है, इसको मैं लिख देता हूं H। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पहली बात ये पर्टिकुलर हाइट पे गया क्यों। अब इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर टेस्ट ट्यूब बहुत छोटी है तो कोई कहेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से मर्क्यूरी ऊपर गया होगा, भाई हो सकता है। अब मर्क्यूरी को वो सरफेस टेंशन में घुसना पड़ेगा कि मर्क्यूरी का जो ड्रॉप होता है वो एक्यूट एंगल दिखाता है कि ऑब्ट्यूज दिखाता है, सरफेस टेंशन होगा कि नहीं होगा। हम सरफेस टेंशन में नहीं घुसते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लॉजिक ये दे सकता हूँ कि जब मैंने इसको यहाँ रखा तो हवा ने इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया, इसके ऊपर जितना भी एयर था, द एयर विच वॉज प्रेजेंट अबव दिस कंटेनर वॉज एग्जर्टिंग अ प्रेशर ऑन दिस कंटेनर, ड्यू टू विच दिस मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी को तो जगह चाहिए था प्रेशर, तो उसको यहाँ जगह मिला, सो मर्क्यूरी यहाँ पे राइज हो गया और मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक गया। नाउ द अमेजिंग थिंग वॉज कि जो मर्क्यूरी उस हाइट पे जाके रुका, उसकी हाइट जो निकल के आ रही थी दैट वाज ऑलवेज 76 सेंटीमीटर। वो हमेशा यहाँ से, अगर मैं उसको मेजर करता, यहाँ से जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, आप नॉट नीचे से नहीं स्टार्ट करोगे सर, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, यहाँ से जब मैं हाइट मेजर कर रहा था तो मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर ऊँचा चढ़ जाता था। अब उसको मैं यहाँ रखूँगा तो वो 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया। अब क्वेश्चन ही उठता है, 76 जाने के बाद वो रुक गया, तो 76 जाने के बाद वो रुक गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना मर्क्यूरी अब यहाँ 76 सेंटीमीटर में जमा है, वो मर्क्यूरी भी नीचे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और नीचे से एयर प्रेशर की वजह से आप पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ जा रहा है। सिंस मर्क्यूरी रुक गया है तो वो ये बताता है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय मर्क्यूरी कॉलम will be now equal to pressure exerted by air. सर अब जब तक प्रेशर, मर्क्यूरी का प्रेशर कम था और एयर का प्रेशर ज़्यादा था, मर्क्यूरी ऊपर चलते जाएगा। जैसे जैसे मर्क्यूरी ऊपर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मर्क्यूरी भी तो नीचे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, बिकॉज उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सिंस मर्क्यूरी अगर प्रेशर नीचे एग्जर्ट कर रहा है, जब मर्क्यूरी उतना जमा हो जाएगा जितने जमा होने से उसका प्रेशर और एयर प्रेशर बैलेंस हो जाए, उस समय वो वहाँ जाके रुक जाता है। और हमने नोटिस किया वो हमेशा सी लेवल पे अगर रहेगा तो 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने के बाद रुक जाता था।
अब अगर किसी तरीके से मैं ये पता लगा लूं कि 76 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद मर्क्यूरी कॉलम कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो मैं बोल सकूंगा उतना ही प्रेशर उसके ऊपर हवा ने एग्जर्ट किया होगा, एयर ने जब उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया होगा और जब वो बैलेंस हो गया होगा तभी मर्क्यूरी रुक गया। तो एयर का जो प्रेशर है उसको अब मैं इनडायरेक्टली मर्क्यूरी की मदद से ढूंढ के निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, तो अब मेरा सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय मर्क्यूरी कितना है। तो हाउ डू यू राइट प्रेशर, फोर्स एग्जर्टेड बाय मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय एरिया। तो सर एरिया तो ये है, देखो ये पूरा जो मर्क्यूरी है वो इतने से इलाके पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, दिस इज द एरिया जहाँ पे वो फोर्स, क्योंकि वो जो उसका सर्कमफ्रेंस है वही तो उसका एरिया का काम कर रहा है, उतने ही एरिया पे मर्क्यूरी का पूरा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अब फोर्स को आप कैसे लिखते हो, फोर्स का मतलब होता है मास ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय फिर से क्या आ जाएगा, नीचे वापस से क्या आ जाएगा, एरिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मास ऑफ मर्क्यूरी कितना है, तो सर मास ऑफ मर्क्यूरी निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, एग्री करते हो। अब मास क्या हो जाएगा, फिर मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो मैं मास ऑफ मर्क्यूरी की जगह डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, अब बताओ उस मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना है भाई, वो जो जितना वो 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है तो उस मर्क्यूरी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहेगा, दैट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी विल गिव यू मास। तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी कॉलम लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, या मर्क्यूरी लिख के भी छोड़ सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं स्मॉल जी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एरिया, एरिया को अब मैं ए लिख देता हूँ। अब सर मर्क्यूरी का डेंसिटी तो फिक्स होता है, सर सी लेवल पे मर्क्यूरी का डेंसिटी फिक्स वैल्यू है, सो ये आपका फिक्स वैल्यू है। हाउ डू यू राइट वॉल्यूम, अब उसका वो इतना जो इतनी हाइट पे जो वो चढ़ा है मर्क्यूरी ऊपर गया है उतने का वॉल्यूम क्या होगा, तो हाउ डू यू राइट फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, वी नो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बरोबर, एरिया को मैं ए लिखता हूँ, हाइट को मैं क्या लिखता हूँ एच, तो मैं फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करूंगा, तो फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करने के बाद कितना आएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया, एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होल डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया एरिया गेट्स कैंसिल एंड द फॉर्मूला दैट यू गेट विल बी रो इंटू एच इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट। अब डेंसिटी फिक्स होती है, हाँ जी डेंसिटी फिक्स होती है सी लेवल पे, सी लेवल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स होता है, हाँ जी फिक्स होता है, तो फोर्स यानी प्रेशर कितना मर्क्यूरी एग्जर्ट कर रहा है, कितना मर्क्यूरी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका हाइट कितना है। तो आप सिर्फ एक काम करो, रो का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो, उसका हाइट मेजर करो, हाइट का वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आपको अपने आप प्रेशर मिल जाएगा कि प्रेशर कितना है। अब सर याद रखना यहाँ हाइट जो आप लिखने वाले हो आप सेंटीमीटर में लिखोगे, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और डेंसिटी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, डेंसिटी इज 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अगर आप इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 980 सेंटीमीटर लोगे तो वो जितना भी प्रेशर निकल के आएगा व्हाटएवर विल बी द प्रेशर उस प्रेशर को कहा जाएगा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट्स कॉल्ड एज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।